पावर स्टार पवन सिंह अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लेंगे किसी ने सोचा नहीं था। तो पवन सिंह जी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बिहार तक पर यह कह दिया है कि कोई टिकट दे ना दे लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, और आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि पावर स्टार पवन सिंह ने आज भरे मंच से जनता के सामने खुद को रख दिया, खुद को प्रस्तुत कर दिया कि लो अब हम आपके हैं, मेरी जीवन आपके हाथ में है। ठीक है भैया, ठीक है चाचा, ठीक है माई, ठीक बहन, ठीक बा, लड़ेंगे हम चुनाव। तो इस बार आप चुनाव लड़िएगा 2024 में। जी, क्या किया है पावर स्टार पवन सिंह ने वो हम आपको समझाते हैं। पवन सिंह ने ये कहा है कि कोई पार्टी हमको टिकट दे, कोई पार्टी हमको टिकट नहीं दे, हम इस साल चुनाव लड़ेंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार अब बनेंगे नेता में पावरफुल, और अब वो नेता बनने का पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आखिर पवन सिंह ने इस तरीके से क्यों कहा कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे किसी का टिकट मिले नहीं मिले जो भी हो। तो हम आपको बता दें, पिछले बार जब चुनाव हो रहा था, यही वाला चुनाव 2019-20 में, तो पवन सिंह को पार्टी कार्यालय में बुलाया गया था। वहाँ पे उनसे उनको बताया गया कि आप इस जगह से चुनाव लड़ेंगे, मतलब उनको एक जगह ही बता दिया गया, वो रिवील करके नहीं बताया पवन सिंह कि वो आ रहा था, बक्सर था, पटना था, छपरा था, लेकिन पवन सिंह को एक जगह बताया गया था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा चीज़, पवन सिंह को सभी लोगों ने ताली बजा के सम्मानित किया था कि पावर स्टार पवन सिंह अब चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम आपको बता दें, और उस साल पवन सिंह एकदम मूड उठ बना लिए थे कि चलिए पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम पे मिलने वाला है, और बस इतना सा इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा टीवी में नाम आए और हम सबसे पहले जाके अपनी माँ का चरण छुएं। और दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, पवन सिंह को झटका लगा, शॉक लगा, उस दिन पवन सिंह का नाम टीवी पे नहीं आया और उनका टिकट कट चुका था, मतलब उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अब हालांकि हम आपको बता दें, पवन सिंह जो हैं वो पिछले 10 साल से लगातार 9-10 साल से लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं, और इस तरीके से वो खुद को कहते हैं कि हम बीजेपी के लिए ही खुद को समर्पित कर चुके हैं, और हम चाहते हैं कि हमको वहां से, क्या बोलते हैं, बीजेपी से टिकट मिले और हम वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमने ठान लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे जहां से लड़ें। अब एक बहुत बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि पवन सिंह को टिकट मिलेगा जेडीयू से, जेडीयू मतलब ये है ना नीतीश कुमार की पार्टी, अभी पलटी मारे कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो उनके पार्टी से इनको टिकट मिलेगा, और वो पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है। और अभी आपने हाल ही में देखा हो किस तरीके से बीजेपी के नीतीश कुमार की तस्वीर जो है वो पवन सिंह के साथ आई थी। तो या तो जेडीयू से लड़े या फिर बीजेपी से लड़े, पवन सिंह लड़ेंगे तो भाजपा के लिए ही, और भाजपा को ही एक सीट दिलवाएंगे, लेकिन ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं कि पवन सिंह इस साल चुनाव लड़ेंगे। दूसरा चीज़, एक चीज़ आपको और बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरा गौर से और ध्यान से सुनिएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रिकॉर्ड रहा है, सबसे पहले मनोज तिवारी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, उसके बाद फिर रवि किशन भी चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे, और रिकॉर्ड रहा है जितने लोग भोजपुरी से पहली बार चुनाव लड़ने गए हैं उनको हार का सामना करना पड़ा है। और यही सवाल जब पवन सिंह से पूछा गया तो वो कहें कि देखिए, हम जब भी काम करने जाते हैं तो हम यही सोच के जाते हैं कि आज हम इसमें उपलब्धि हासिल करेंगे, आज इसमें हम जीत हासिल करेंगे, और हम भी यही देख के, यही समझ के और यही माइंडसेट के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे कि हम जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन सारा ऑडियंस, सारा जनता मालिक है कि आखिर किस तरीके से उनको प्यार देगी, स्नेह देगी, दुलार देगी कि वो जीतेंगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ, मतलब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, पवन सिंह पावर स्टार जो हैं उनको चुनाव लड़ने की अचानक से इच्छा क्यों आई, ना उनको पैसा का कमी है, ना उनको शोहरत का कमी है, ना उनको पावर का कमी है, जो चाहें सो कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, जनता की मन, जनता का रिक्वेस्ट पवन सिंह के पास लगातार आना, जिसके वजह से पवन सिंह ने यह फैसला लिया है कि हमको चुनाव लड़ना है। आपने देखा होगा पवन सिंह जहां भी जाते हैं तो वहां पे नारा लगता है, पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, मतलब बहुत सारे लोग वहां के नारे लगाते हैं,
और वो नारे का एक मतलब ये है कि पवन सिंह जल्द से चुनाव लड़े और वहां से जीत हासिल कर ले। अब आपके मन में सबसे एक्साइटिंग सवाल, सबसे ज्यादा उथल पुथल करने वाला सवाल ये हो रहा होगा कि चलिए राजन भाई, आपने ये तो बता दिया कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ियन? तो देखिए, पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ने का बहुत मन है, बहुत खुशी है कि काश हम आरा से लड़ पाते, लेकिन भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो तो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और उनको पूरा दुनिया प्यार करती है, वो दुनिया में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश, मन, स्नेह कहिए उनका आरा से है। और उन्होंने बताया कि सभी लोगों का मन रहता है कि अपने जगह से, अपने मिट्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हम कहीं से लड़ेंगे, हमको कहीं से आदेश आ जाएगा तो हम लड़ लेंगे, हमको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ जानते हैं दोस्तों क्या, पावर स्टार पवन सिंह जो चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष के पास बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकते हैं ना, पवन सिंह का नाथ पकड़ने का ऑप्शन होगा, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने कारनामे भी बहुत किए हैं। क्योंकि आप देखे होंगे, रवि किशन कुछ नहीं किए हैं तब उनका लहंगा रिमोट से उठा देने वाले को ये किया जाता है, वायरल किया जाता है। मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया है तो उनके गाने को बजाया जाता है, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी अश्लील वीडियो सबको इंटरनेट पर चलाया जाता है, तो ज़रा सोचिए कि इसमें अगर पावर स्टार के विपक्ष वाले उनके वीडियो को खोजने लगे तब तो रोज एगो नया नया वीडियो वायरल होगा, कभी ढोड़ी में बियर डालते हुए, तो कभी पत्नी का आरोप लगाते हुए, तो कभी अक्षरा सिंह का आरोप लगाते हुए, तो कभी माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है, इस तरह की तमाम चीज़ें, तमाम ऑप्शन जो है वो विपक्ष के पास होगा, जिससे वो बहुत तगड़ा हमला कर सकती है। खैर, इन सब सारे प्रतिक्रिया पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपसे सिंपल सीधा सवाल है, पवन सिंह और चुनाव लड़ेंगे तो आप वोट देंगे कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।